खनिया थाना बामूर कला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरा में दो पक्षों के आपसी विवाद में एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अन्य बुरी तरह घायल हो गया, जिसे तुरंत शिवपुरी जिला चिकित्सालय रेफर करना पड़ा। मामला कुछ यूं है कि ग्राम पिपरा के निवासी मोहन लोधी और संजीव लोधी का आपस में एक्सीडेंट हो गया। इसमें संजीव लोधी बुरी तरह घायल हो गया। मोहन लोधी ने संजीव लोधी के संपूर्ण इलाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। थोड़ा बहुत इलाज करवाने के बाद मोहन लोधी ने इलाज का पैसा देना बंद कर दिया। 16 जुलाई के दिन जब संजीव लोधी के परिजन मोहन लोधी के पास इलाज के लिए पैसा मांगने गए तो मोहन लोधी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की गई। फरियादी हरिमान लोधी के अनुसार मोहन लोधी के परिवार के द्वारा की गई मारपीट में संजीव लोधी की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए शिवपुरी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। फिलहाल बामूर कला पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। मैं आपका राजीव लोधी ये आज यहाँ पर पीएम कराने आए, क्या मामला है? ये 17 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, मोहन लोधी ने करा था। जो बिन ने बोली थी कि हम पैसा लगाएंगे वही सही करके देंगे घर पे, दो से ढाई महीना झांसी रहा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ना मना कर दी, इसमें एम्स में लगा भोपाल ऑपरेशन होना था। मैंने पैसा मांगा कि पैसा लगाओ, आपसे बिकला हम नहीं लगा पाएंगे। मोहन कौन? मोहन बोला और उनके पापा बोले धनीराम लोधी। सुबह से गाली गलौज भाई घर पे और ने धक्का मार दिया। ये कब की घटना है? ये कल 15 तारीख 9 बजे की रात में। फिर क्या हुआ? बस धक्का मार दिया, सुबह से पलटी आई खून की, बस खत्म हो गया। भैया और ये भैया को ना सिर में छड़ मार दी। वो कहाँ है? एक सीपरी है, एक्सीडेंट सीपरी रेफर कर दिया। हाँ। तो पीएम हो गया है? नहीं अभी नहीं हुआ। और मामला दर्ज हो गया है? मामला दर्ज वो एक भैया का था, हो गया ये हो रहा। ये कल पिपरा में एक विवाद हुआ है दो पक्षों में, तो जो फरियादी हरिवान है, हरिवान लोधी, इसने बताया है कि इसका भाई है संजीव लोधी, जो जिसकी मौत हो गई है। ये संजीव का 4 महीने पहले करीब एक्सीडेंट हुआ था एक गाड़ी से, तो वो गाड़ी भी इनके जो पास में ही रहते हैं उन्हीं उसी पक्ष में, वो पक्ष आरोपी था उसमें जिनसे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये इनका इलाज चल रहा था उसी समय से, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो कल इन लोगों ने उसके इलाज के लिए दूसरा जो पक्ष है, आरोपी पक्ष है, उनसे पैसों की मदद मांगी थी कि हमारा जो बच्चा बीमार है उसकी आप लोग मदद करो, आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने मना कर दिया मदद करने से, तो इसी बात पर से विवाद हुआ है। और जो आरोपी पक्ष है उन्होंने मारपीट की है, तो जिसमें एक लड़के की स्पॉट पर डेथ हो गई है संजीव लोधी की, और एक घायल है जिसका अभी उपचार शिवपुरी अस्पताल में चल रहा है। सर इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें राजनीतिक मामला भी कोई है? नहीं नहीं, अभी ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। ये पूर्व में जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी FIR भी है, खनिया थाना में FIR हुई थी, वही एक्सीडेंट का मैटर है, उसी बात पर से इनका विवाद हुआ है। तो सर इसमें ये मामला दर्ज हो गया है? जी अभी मामला पंजीबद्ध होकर विवेचना में ले लिया गया है। क्या नाम है आपका? हरिवान लोधी। कहाँ रहते हो? नई बस्ती पिपरा पर। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे भैया के लिए मार भी आए थे, हम पैसे लेने लिए इलाज चल रहा हो तो बाबू तो लिए आए थे मारने के लिए। हमें किस बात को मारने के लिए आए थे? भैया के पैसा मांगे सो, बस मैंने बीमार के पैसे किस बात के चाहिए थे? इलाज करा रहे इलाज किससे? मोहन सिंह पे और राकेश पे। आप बता रहे पुरानी कोई रंजिश थी आपकी? क्या रंजिश? रंजिश थी हमारे भैया की, लाने भी पटक लिया थी गाड़ी से, तो हमने पैसा मांगे, हमने 9 लाख रुपया लगा दिया। कल क्या हुआ था? कल जब हुआ था बीमार भी आए थे हमें घर। हाँ तो हमें फर्जा था फिर भैया हमें बता भी उनको भर्ती पहले 6 महीने को सही होगा तो वो भैया को भी मारा पे। हाँ फिर वो महीना फर्जा दे दो तो भैया को भी मारा था तुमने? हाँ भैया को। तो भैया ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे? हाँ हाल ही हो गए थे। तो थाने में रिपोर्ट लगाई आपने? हाँ। कितने लोग थे वो? बेहद 9 जने, नाम बताएं दे। राकेश है तो, मोहन सिंह है तो, विजयराम, रतिराम और वो रतिराम जवाब और राजब सिंह हो, किरण, विजयराम, राम, राकेश। और फिर आप लोगों को वहाँ से निकाल गए, मतलब बचे कैसे आप लोग? बचे ऐसे गए कि हमने फ़ोन लगा था, हमने 100 नंबर पुलिस आ गई सुबह।